Hello students, today we are going to discuss chapter 3, part 7, oogenesis. Now the question arises, what is oogenesis? A very simple definition is there. The process by which the ovum or egg cell develops is called oogenesis. कहने का मतलब कि ओवा और एक सेल के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम ओजिनेसिस कहते हैं और इस तरह से जो विधि है अंडे निर्माण की फीमेल के बॉडी में उसे ही हम ओजिनेसिस कहते हैं होता क्या है इसको समराइज किया गया है स्कीम दिखाया गया है तो आपसे चर्चा मैं करूंगा कि फेटल ओवरी जो इम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट का है उस समय करीब 2 मिलियन ओगोनिया और ओवा मदर सेल पाए जाते हैं हर ओवरी में प्रत्येक ओवरी में क्योंकि ओवरी की संख्या 2 है तो सब में इतनी होती है तो फेटल ओवरी में जो इम्ब्रियोनिक कंडीशन का ओवरी है उसमें और ये सेल डिवाइड करते हैं और प्रोफेज 1 के मियोसिस के प्रोफेज 1 में इंटर करने के बाद थोड़ी देर के लिए टेंपरेरली ये डिवीजन रुक जाता है सीज हो जाता है कहने का मतलब कि ये जो 2 मिलियन ओगोनिया है ये सेल डिवाइड करते हैं और प्रोफेज 1 में मियोसिस के जाकर क्षणिक इनका डिवीजन रुक जाता है अनाउ दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट कहते हैं इसको और ये भी डिप्लोइड है 2n है अब यहां पर क्या होता है कि ऑल अराउंड प्राइमरी ओसाइट अ ग्रैनुलोसा सेल लेयर इज फॉर्मड एंड दीज आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स सो द प्राइमरी ओसाइट इज नाउ इनसर्कल्ड इनसाइड अ प्राइमरी फॉलिकल At this puberty, rest of the such primary oocytes, oogonia, degenerates and only 60,000 to 80,000 per ovary they remain and more granulosa layer is formed or added around the primary follicle and in this way The secondary growth occurs, secondary follicle is formed. And this secondary follicle, the cells of its theca or covering now, they are more in number. So they arrange themselves in theca interna, that is the internal layer, and theca externa, that is the external layer. Kata hai ki ye jo secondary follicle bana, मोर ग्रैनुलोसा लेयर बनने के चलते तो सेल की संख्या बढ़ी और ये सेल आपस में अरेंज किए और एक इंटरनल लेयर बनाया जिसे थीका इंटरना कहा गया और दूसरा आउटर लेयर जो बनाया सेल उसको थीका एक्सटर्ना कहा गया और इस तरह से एक कैविटी का निर्माण हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड एंट्रम इज फॉर्मड And now it changes, secondary follicle changes to tertiary follicle with primary oocyte. And now here the primary oocyte undergoes unequal division. Primary oocyte grows and completes the meiosis. ये जो prophase 1 में यहाँ पर रुक गया था थोड़ी देर के लिए अब यहां पर आकर के ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर अब ये कंप्लीट कर लेता है अपना मियोटिक डिवीजन और दो अनइक्वल डिवीजन के चलते एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है और दूसरा सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण होता है और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही फूड मटेरियल में रिच होता है क्योंकि जो प्राइमरी ओसाइट का साइटोप्लाज्म है वो ये रिटेन कर लेता है और इस तरह से सेकेंडरी ओसाइट फूड रिच साइटोप्लाज्म रखता है अब ये सेकेंडरी ओसाइट जो है
इसके चारों तरफ एक और लेयर बन गया, जोना पेनुसीडा इज फॉर्मड अराउंड द ओवम एंड मोर ग्रैनुलोसा लेयर्स आर फॉर्मड। सेकेंडरी जो ये टर्शियरी फॉलिकल है इसके अंदर सेकेंडरी ओवोसाइट है अभी तक, अब इसमें और सारे ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर जुड़ जाते हैं, अब इसे हम कहते हैं ग्रैफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल। अब ये ग्रैफियन फॉलिकल जब ये डिवाइड करेगा तो सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है और साथ ही साथ ओवम रिलीज हो जाता है, और यह ओवम ओवुलेशन के बाद रिलीज होता है। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रैफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवुलेशन। आप यहां देखो डायग्राम हमने बनाया है, ये सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, ये पूरा ओवरी का व्यू है, ये प्राइमरी फॉलिकल है एंड ग्रेजुअली मोर लेयर्स आर फॉर्म एंड द एंट्रम डेवलप्स इनसाइड इट एंड इट गिव राइज अ टर्शियरी फॉलिकल। दिस टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू द ग्रैफियन फॉलिकल और द फुली मैच्योर द थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल एंट्रम इज हियर एंड एंट्रम इज नथिंग बट अ फ्लूइड फिल्ड न्यू कैविटी from tertian follicle and now finally it release the ovum and this release of ovum from gratian follicle or mature follicle is called ovulation and now the degenerating one is follicles is called corpus luteum and its function we will study later on. So this is all about the oogenesis in females. Thank you.